राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचे। यहां बापू को श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट के जरिए बापू को याद भी किया था। उन्होंने लिखा था, बापू की पुण्यतिथि पर उनको नमन। बापू के विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। मैं इस मौके पर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण देने वाले तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इससे पहले ट्विटर पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, हमें गांधी जी के अहिंसा, शांति, मानवता के आदर्शों का पालन करना चाहिए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर सुबह से ही राजनीतिक हस्तियों का आना जाना लगा रहा। पीएम मोदी से पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजघाट पहुंचे थे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने राजघाट पहुंचे। राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर में मैं उन्हें नमन करता हूं। आज के दिन हम पूज्य बापू समेत उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी स्मरण करते हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। मैं ऐसे सभी सेनानियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन के कई वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।